जी हाँ दोस्तों, राजस्थान पुलिस एक और बड़ी खबर, रिजल्ट डेट जारी। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपका रिजल्ट कब आएगा, और दोस्तों इससे संबंधित जो बड़ी खबर है उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। आप वीडियो पूरा देखना। इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि कोर्ट केस का क्या होगा, क्या कोर्ट केस से पहले रिजल्ट आ सकता है। दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, लेकिन वीडियो के ऊपर चलने से पहले दोस्तों सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों वीडियो के ऊपर चलने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो आपको वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको इसे दबाना है, फिर एक काला हो जाएगा उसके पास में आ जाएगा एक बेल आइकन, अब आपको इसे भी दबाना है। फिर दोस्तों जो भी हम राजस्थान पुलिस से संबंधित वीडियो डालेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं खबर की क्या खबर है। तो दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो पत्रिका.com की एक खबर है, आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर भी चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं बताया गया है कि राजस्थान पुलिस के फिजिकल 20 अगस्त से शुरू होने हैं, और दोस्तों यहां पर साथ ही साथ ये भी जानकारी दी गई है कि राजस्थान पुलिस का रिजल्ट है वो 18 अगस्त को जारी किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप यहां पर खुद पढ़ सकते हो 20 अगस्त से फिजिकल शुरू है और रिजल्ट 18 को संभव है। अब दोस्तों बात यह आती है रिजल्ट 18 को ही क्यों आएगा, 18 तारीख में ऐसा क्या है कि 18 तारीख को जारी किया जाएगा। तो दोस्तों इसका कारण है कोर्ट केस। जी हां दोस्तों, 17 तारीख को हमारा जो केस है उसकी सुनवाई होनी है, ये बात आप सभी को पता होगी। तो दोस्तों उसके फैसले को देखने के बाद ही सरकार रिजल्ट जारी करेगी, ये बात तो अब कंफर्म हो चुकी है, यानी रिजल्ट 17 तारीख के बाद आएगा। और दोस्तों आज तारीख है 15, आज है 15 अगस्त, तो दोस्तों आप मान के चल सकते हो कि आज से 2 दिन बाद आपका रिजल्ट आना है 18 तारीख को कोर्ट के फैसले को देखते हुए। हाँ दोस्तों ऐसा भी हो सकता है, मान लो कोर्ट कोई बड़ा फैसला सुना दे तो रिजल्ट 18 को तो क्या अगस्त में पूरे महीने में ही नहीं आए, एग्जाम ही दोबारा हो जाए। या फिर दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कोर्ट आगे की तारीख दे दे तो आपका रिजल्ट 18 तारीख को आ जाए। लेकिन दोस्तों जो 17 तारीख का दिन होगा वो अब आपके लिए यकीन मानिए बहुत ही बड़ा दिन साबित होगा। 17 तारीख को ही आपको पता चलेगा कि आपका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, और रिजल्ट आएगा तो 1-2 दिन में ही आएगा या फिर एग्जाम दोबारा होगी और बाद में कई 1-2 महीनों बाद आएगा, वो जानकारी दोस्तों आपको 17 अगस्त को मिल जाएगी। अब दोस्तों बात आती है क्या अगर मान लो 18 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाए, कोर्ट का फैसला कुछ और हो, कोर्ट का ये फैसला ना हो कि एग्जाम दोबारा हो, तो फिर क्या 20 अगस्त से आपके फिजिकल शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बार बार कमेंट करके पूछी कि सर 20 अगस्त से फिजिकल स्टार्ट है तो हमने तैयारी ही नहीं की, हम फिजिकल में पास कैसे होंगे। तो दोस्तों यकीन मानिए अगर 18 तारीख को आपका रिजल्ट जारी किया गया राजस्थान सरकार द्वारा, पुलिस विभाग द्वारा, तो आपके फिजिकल दोस्तों 20 तारीख से स्टार्ट होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी हम कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 18 तारीख को रिजल्ट और 2 दिन के बाद फिजिकल कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकते, किसी भी सूरत में स्टार्ट नहीं हो सकते। उसका कारण है दोस्तों रिजल्ट आने के 2-3 दिन बाद या 4-5 दिन बाद तो फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे और फिर 3-4 दिन उनको डाउनलोड करने का टाइम दिया जाएगा और उसके 2-3 दिन बाद फिजिकल शुरू होंगे। इस प्रकार से कम रिजल्ट आने के बाद भी 1 वीक तो लग ही जाएगा, चाहे सरकार कितनी भी तेजी क्यों ना कर ले, क्योंकि दोस्तों फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड जारी करने पड़ेंगे, रिजल्ट आने के बाद फिजिकल के जो एडमिट कार्ड है वो बनाने पड़ते हैं। मतलब आप मान सकते हो कि 20 तारीख से आपके फिजिकल स्टार्ट होना है ये सिर्फ प्रस्तावित ही रहेगा, बल्कि 20 तारीख से फिजिकल स्टार्ट होने की संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही है। और दोस्तों वैसे अगर इससे संबंधित आगे कोई भी अपडेट आई तो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप 17 तारीख का जो दिन है उसका इंतजार कीजिए, वही आपका आगे का भविष्य तय करने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने सभी दोस्तों से शेयर करना, और आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।